साडे पंडाल दे विच जे दीप सिद्धू भी आया हुंदा असीं तां दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी आपदे पंडाल चो नहीं होंदे उहनूं मेहना समझदे आ। ते हुण अडानी थोड़े कोल नूं देख के कहिंदा, कहिंदा मैं पंजाब जांदा ही नहीं, तेरा प्यो भी नहीं जांदा उत्थे, जावेगा किहड़े साहब, बूथड़ कुट लैणगे लोग। के जे सोडियां गल्लां मन्नियां गईयां ता कल नू अडानी होरी धरना ला देणगे। ओए ओ धरना लाउण वाली कौम है, उहनां नू सड़क तों बाहर कढ, आ वोर वालां नू कह देणगे चक के ऐ लै जाणगे जिवें बलोट वाला ओह मंत्री जा लै गए। ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠਾ ਬਾਈ ਰੂਟੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਿਬੜ ਜੂ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਈ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕਦੇ, ਕਿ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਮੋੜਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਕਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ
इस घोल दे विचों एक नवी लहर ने पैदा होना है। आसा बजिया ने लोगों दिया मैं थोनू बधाई देना तुसी पूरे उतरे आपके तौल के पूरे उतरे चले जाओ टिकरी दे उत्ते ते सिंगू दी बाटर दे उत्ते चला जावे इन्हां दा कोई सरपेयर जावे कोई इन्हां दा वीर अधिकारी जिन्हों मर्जी जाके पूछ लो कि मोर्चे का की बनाओगे। कोई भी बच्चा इस गल तो पिछे नहीं कि तीन कानून रद्द करा के ही मुड़ांगे। तुसी सानू अजमाउंदे फिरदे हो, तुसी सानू परखदे फिरदे हो, तुसी साडे मीटर ला ला वेंदे हो। ओए कहा जी असी के दिवालियां भी अच्छी जाणगियां, लोहड़ियां भी अच्छी जाणगियां ते विसाखियां भी अच्छी जाणगियां। पढ़ लो, छे महीनों का राशन नहीं साल का राशन कट्ठा कर ब्यौतबंदियां बन गई। केड़ा माई का लाल है वे जेड़ा साडे मोर्चे नू पट दूगा? केड़ा माई का लाल है जेड़ा कहना भी यह घोल की अगवाई करने वाली लीडरशिप ये लैस लीडरशिप है। बिना लीडरशिप तो ग्यारह मीटिंगां किहदे नाल हो गईयां? बिना लीडरशिप तो यह एडा वड्डा लखां दा मोर्चा कंट्रोल किवें हो गया? बिना लीडरशिप तो यह घोल कमांतरी किवें बन गया? आ बैठी है लीडरशिप, आ एक हिस्सा बैठा है। इस हिस्से ते परचे की पाए ने? डकैती का परचा, चोरी का परचा, 307 का परचा। वो घट्टो घट साढ़े कद के मुताबिक परचा तो पाते, देश धरोही का परचा तो पाते साढ़े कद के मुताबिक। ऐसा लगता भी हाँ यार साढ़े कद के मुताबिक। वो सानू कोई चोर कहो, सानू तुसी डाकू कहो, साढ़े कद के मुताबिक तो साढ़े पैरों की जुत्ती के बराबर का की परचा भी नहीं है ये। इस करके दोस्तों जदों यह लड़ाई छेड़ी सी तुसी पढ़ लो साढ़े सारे लीडरों दी पोस्टां, पढ़ लो साढ़े बयान कि लड़ाई मोदी नाल नहीं है, मोदी दे नाल लड़ाई नहीं है, लड़ाई संसार विश्वपार पॉलिसी ना लड़ाई, WTO ना लड़ाई है, कमांतरी मुद्रा कोष ना लड़ाई है, संसार बैंक दिया पॉलिसियां ना लड़ाई है, कारपोरेट सेक्टर ना लड़ाई है। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई नीतियां दी है, लड़ाई कुत्ते दे मुंह चो हड्डी कढ़न की लड़ाई है। ये वो लड़ाई है, इस हमले का जवाब है जिदे तो आ सारा पंडाल का बच्चा कोई भी नहीं बचता, जिदे तो पुलिस वाले भी नहीं बचते, जिदे तो फौज भी नहीं बचती। अज सवेरे मैं एक कुड़ी का फोन आया, BSF च कुड़ी रहती है, वह कहती है भी अंकल असी सारे दे सारे पेंशन लैस लोग हाँ, साड़ियां पेंशन नहीं लगदियां, साडा प्रोविडेंट फंड कटदा है पर जिन्ना कटदा उन्ना भी सानू नहीं मिलता। ये बधीकियां
कले BSF नाल नहीं कंटैक्ट दे अध्यापकों नाल भी हो रही ने, सेहत कामे नाल हो रही ने। एक कह के तेरी तनख्वाह 25,000 रुपये है पर तेन 17,000 देगा, तेन 25 के दस्तखत करने पैणगे। ठेकेदार 25 वसूल रहा है, साइन 25 दे हो रहे ने, 17,000 मिल रहा है। इत्थे तक्के ये सारिया पॉलिसियां उत्तों आ रही ने, मोदी ठोस रहा है। ऐस कोल ने मोदी नू बिल्कुल निर्वस्त्र करता, ऐस कोल ने मोदी नू नंगा करता। तुसी हैरान होंगे राजेवाल साहब बैठे एक मीटिंग दे विच तोमर दे मुंह चो निकल गया कि जे सोडियां गल्लां मनियां गईयां तां कल नू अडानी होरी धरना ला देणगे। ओए ओ धरना लाउण वाली कौम है, उन्हां नू सड़क तो बाहर कढ आ, वोट वालों कह देंगे चक के ऐ लै जाएंगे जिमें मलोट वाला वो मंत्री जा लेगी। एसिया च बह के लोगों ने खून पाली जोक कदे लोगों मूहे खड़ सकदियां ने। मैनू सवाल किया एक कमेडियन ने कि मलोट वाली घटना तुसी किवें देखदे हो, मैं कहा भी ठीक है अनमनुखी है, हो साडे साथियों नहीं करना चाहिए, पर टिंडिया लैन गया सी मलोट लोगों चो। जदों उन्हूं पता है भी पंजाब की जनता सानू झलदी नहीं, तुसी पंजाब दे लोगों च लैन की जाने हो, पर यह असल गल नहीं है। असल गल पता की है, BJP की एक प्लैन है कि तुसी पंजाब दे शहरां च ते पिंडां दे विच जाके प्रोग्राम करो। लोगों के विच इन्ना गुस्सा है भी थोड़ी बेइज्जती करनगे, हो फिर अमन कानून की स्थिति पैदा हो, फिर कहिए भी इतने राष्ट्रपति राज लागू करो, हिंदू सिख का मसला बना दो, फिरका प्रस्त का मसला बना दो। एक पत्ता है चलिया सी कुटता, किन्ने पत्ते चले है, खालिस्तान का पत्ता, तिरंगे की बेअबदी का पत्ता, लाल किले वाला पत्ता, तो हिंदू सिख वाला पत्ता, SYL का पत्ता, खालिस्तान का इशू, किन्ने इशुआ उभारिया। सित मैं थोनू भी 10 दिसंबर की स्टेज पर असी लेखकों का कलमकारा की रिहाई की मांग कर, राई का पहाड़ बना लिया, तुसी राष्ट्रीय जंगी कैदियों, तुसी राष्ट्रीय कैदियों की हिमायत कर दौ, तुसी अतवादियों की हिमायत कर दौ। वो असी कह रहे कि जेडे बुद्धिजीवी जेलों बंद ने वो थोड़े नजायज किए हुए ने, वो कलमकार ने, वो इन लोगों वास्ते लिखते ने, वो दस रहे भी तीन कानून की है, वो दस रहे भी ग्रीन हंट ऑपरेशन की है, वो दस रहे भी आदिवासी इलाके के जो कुछ हो रहा गलत हो रहा है, वो दस रहे फौजा क्यों चाढ़िया ने, वो सारा कुछ दस दे रहे भी आ जो कुछ हो रहा है बेशक पारसंस्था नीतियों के मुताहत हो रहा, वो दस रहे ने कि कोले दियां खाणा किनू बेचिया ने तो क्यों बेचिया ने, वही अड्डे क्यों बेचे ने। जितों तक एक कानूनों का सवाल है, ये कानूनों के तुसी देखे होना अडानी तो अबानी की गल बहुत चलती है, हुण भला भी ये दो बंदे की गल क्यों चलती है। दुनिया के 7-8 बंदे अजे ने जेडे सारी दुनिया से राज करते, ये दो बंदे निशाने से क्यों आए। 2014 च मोदी साहब ने अडानी का जहाज वरत्या, चोणा चोणा जित गया, चोणा जित गया सर
अडानी नूं चार राज्यां दा दालां दा कंट्रैक्ट देता भी तू खरीद ला। उन्हें दालां खरीदनियां जनी उस कंट्रैक्ट चों 1,80,000 करोड़ रुपया कमाया इन्हें कले अडानी। उदू बाद 41 दौरे किए ने मोदी ने, 41 दौर के बिच अडानी ते अवानी मोदी के नाल जाते रहे, 18 समझौते किए ने, 15 अडानी ने, 3 अवानी ने किए ने। जिन्हें की है जे ऐ कहना हो कानून तो 5 जून न आए ने, जिहड़ा मोगे वाला शीलो ग्राम है वह तो जून तो पहले ही बन गया सी, जिहड़ा रायपुर वाला 77 किलियां दी खुशक बंदरगाह है वह भी पहला बन गई सी, जिहड़ा कैथल दे विच अडानी का शीलो बनया होया वह भी पहला बन गया सी। जने कानून बनाउण तो पहला अडानी नूं पता सी भी कानून बनणगे आपदे शीलो गदाम आपदियां बंदरगाहां सारिआं ते कब्जा अडानी दा करवाता। जनी दो बंदिआं नूं एक नूं खाद पदार्थां दा कंट्रैक्ट, दूजे नूं संचार दा कंट्रैक्ट। अडानी नूं गप्पे देते, उहनूं गप्पे देते। हुण अडानी छोटे कोल नूं देख के की कहिंदा, बाणी है ना गुजरात दा, हुण उह बाणी की कहिंदा हैगे तां इह सारे बाणी। अडानी भी अबानी भी शाह भी ते मोदी भी ये चारे भाई गुजरात के योधे आ। ते हुण अडानी छोटे कोल नूं देख के कहिंदा कहिंदा मैं पंजाब जांदा ही नहीं, तेरा प्यो भी नहीं जांदा, उधर जावेगा किहड़े साहब, बूथड़ कुट देणगे लोग, लोगों दीआं जमीनां खोहण जावेगा, सबक सिखा देणगे लोग। लोग जाणदे ने अडानी की है, साढ़े बहुत सारे साथी कह देंगे ने भी इन्ना चिर लम्मा घोल चल गया इहदा कोई फायदा होया? हाँ दोस्तों फायदा हो, इकनोमिकी फायदे की गल करनी है कि पोलीटिकल फायदे की गल करनी है, दोनों गलों का फायदा हो। हुण आ लो साहब अक्तूबर 1 तो लैके पंजाब दे विच टोल प्लाजे बंद है, उदू बाद हरियाणे च हो गए, हुण राजस्थान च हो गए, यानी कल्ले पंजाब नूं अज तक 500 करोड़ रुपये का फायदा हो गया, तो 300 करोड़ रुपया हरियाणे का बच गया, राजस्थान का कोई अंकड़ा नहीं। एक फायदा तो भरावो आ हो गया, जड़िया छू छू कर दिया गड्डिया टोल प्लाजा घंटा घंटा रोक के रखता से, ऐ जांदियां ने तुरियां, सुनने पै ने टोल प्लाजे, तो प्लाजे पलूजे चलन नहीं आपां दिंदे। दूजा फायदा यह हो गया कि पहली बार है सारा पंजाब एक रस्सी बिजली लंघ गया, एक मोरी बिजली लंघ गया। पहली बार है कि पंजाब दियां कुल जथेबंदियां जिन्हां दे डिफरेंस जफियां पावा मिलदे हैं भाई, जफियां पावा मिलदे बैठे चाक के दिखावे किसे के नहीं पुलिस। एक बार मैं चंडीगढ़ गया, फरमान आ गया कि रुलदू सिंह मानसा की फोटो लागी भी वह लाल किले से झंडा चढ़नगे। वो पड़ुए जहान दे, पहली गल तो रुलदू कदे उधर जा ही नहीं सकता, साड़ी गरंटी तो सुटा। फिर यह मतलब है भी इस गल ने पहला रुलदू फड़ लिए, फिर राजे वालू फड़ लिए, फिर होर फड़ लें। असी क्या भी आ बैठा भाई रुलदू स्टेज पर बैठा, हाथ ला के दिखाओ निबड़ जू साडी कानूना कानूना की। जान देवे भाई आप जान देवे, ओए असी तो साढ़े पंडाल दे विच जे दीप सिद्धू भी आया हुंदा असी तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी आपदे पंडाल चो नहीं होण दिंदे, उहनूं मेहना समझदे आ। ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ
हिसाब किताब हुकूमत ना पहला करांगे साथी नाल बाद च करांगे। ये साडी पॉलिसी दा हिस्सा आ जिहड़ा कट बजिया कि इन्नियां जथेबंदियां इन्ना समा हो गए बैठे नूं शांत में बैठे है। साढ़े साथी सवाल करते हैं कोई बड़ा प्रोग्राम दो जी तुसी ऐ दसो भराओ जदों असीं ऐलान किया भी के एम पी 24 घंटे वास्ते जाम करांगे तुसी उन्हें बड़ा प्रोग्राम का प्रवान कर लिया तो लजारे मारते हेठा वो दिल्ली दियां पंज सड़कां साढ़े चार तीन महीने तो जाम ने चार महीने तो वह भी बड़ा प्रोग्राम नहीं है। पंज सड़कां दिल्ली दियां चार पंज महीने तो जाम ने वो एक्शन नूं तुसी बड़ा नहीं समझते भाई ये कहो बड़ा कर रहे हैं छोटे एक्शन किन्ने करने ने पूरा हिंदुस्तान उठिया फिरदा बंद का सदा दिता आ सारे साथी बैठे आ कर्नाटका दे विच तमिलनाडु केरला आंध्रा दे विच लोकां ने इस करके बंद किया कि सदा किसान जथेबंदियां दा है इस करके हर हालत बंद करना है। इन्ना प्यार ते सत्कार नाल साडे सद्दे नूं कबूलना ये साडी वड्डी जित है भाई ये साडी वड्डी जित है कि दुश्मन की छाती से बह के 300 लाशां आपदे मोढ़ियां ते चक के लियांदियां ने अख चों पानी नहीं आया। असीं पुब्बां सुणियां ने बेड़े चो एक नौजवान धी दियां पुब्बां सुणियां असीं पुब सुनी है अकलौते पुत्र वाली मां की पुब सुनी असीं इट्टां रोंदियां देखियां ने असीं बेड़े रोंदे देखे ने असीं सिरां ते दिलां ते पत्थर धर के घरां चों वापस मुड़े हाँ पर असीं कह सकते हाँ कि साडा 300 दे उत्ते बंदा लग्गिया है सही जगह ते लग्गिया है माण करदे हाँ साडे शहीद ने हो। होर लावांगे किन्नियां जिंदगियां चाहीदियां ने होर लाउण वास्ते भी तैयार हां इस करके परवाह ना करो भरावो। थोनू एक गल मैं खबरदार करना तुसी बार बार कही जाने हो कि बीजेपी का बिचो बहुत मत है बीजेपी स्ट्रोंग है सोडा भुलेखा है ये बीजेपी नूं टुटना जदों ऐस घोलना टुटना ते बिचों टुटना इहदे बिचों निकल निकल के बाहर बंदे आउणगे इहदे बिचों निकल के आउणगे जे भाई मलेशिया का गवर्नर कुछ बोल सकता जे राजनाथ मोदी बारे कुछ बोल सकता तो बिच इन्हां दे खिचड़ी पक्की जाती है। इस अंदोलन ने उस मोदी नूं जिहड़ा कहिंदा सी मेरी 56 इंच की छाती है हमारा कोई सानी नहीं मोदी है तो मुमकिन है छाती सुंगड़ के 10 इंच की रहेगी भाई उहदी सां बंद कर देंगे मोदी साहब तेरा सां बंद कर देंगे तेनू दस्या सी असी पहली बार दस्या सी तेनू असी के आ गए मित्रा असी अज तक तो फैसले बहुत ले ने नोटबंदी वाला चल गया GST वाला चल गया धारा 370 लादी चल गई NRC लागू करती चल गई शहीन बाग दे विच कतलेआम बचाता तेरी पुग गई गुजरात दे विच मुसलमानों का कतलेआम बचाता तेरी पुग गई तेरा वाह नहीं क्या कदे किते मां दे पुत्तां नाल वाह नहीं पिया मां दे पुत्त मैदान च आए ने मां दे पुत्तां ने तेरी बांह पकड़ी मां दे पुत्त मंगारदे ने कि मोदी कंध ते लिखिया पढ़ लै तेरे पैरां दी मिट्टी खिच के तेनू मूहदे मूह डेगांगे जित के जावांगे धन्नवाद।